हेलो वॉचर्स, तो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ उसकी कहानी जो नहीं डरता है किसी मंजर से। उसका गुस्सा देख डर जाओगे तुम अंदर से, क्योंकि वो तुम सबकी ले लेगा खंजर से, मतलब खबर ले लेगा यार। सो वॉचर्स, आज के हमारे नशेल में है एक्स मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। तो देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू होती है कहानी, दिखाया जाता है एक बच्चे को जिसको याद आ रही होती है उसकी नानी, क्योंकि उसको बुखार है यार। तो आया बाप, पुचकारा उसको और बोला तो जल्दी ठीक हो जाएगा बेटो, टेंशन नहीं लेने का। जिसके बाद गया वो बाहर, तो आया उसका सौतेला बाप और ठिश गया। फिर क्या, बच्चे ने देखा उसको आया गुस्सा तो निकला पंजा नुन्नू के साइज का हो गया। और क्या, पेल दिया उस आदमी को। आदमी मरते मरते बोला सुन बे लपड़ झंडस, अपुन तेरा असली बाप है क्या। गाइस कंफ्यूज मत हो, मैं क्लियर करता हूँ, बच्चे का नाम जेम्स है, यह है उसका सौतेला भाई विक्टर। जो मरा है वो जेम्स का असली बाप है। अरे मतलब दोनों मरे हैं ना। अरे इसकी पिंडकी आंख, बाद वाला असली बाप था यार। हाँ हाँ यही। दोनों भाई म्यूटेंट्स हैं, बोले तो अपार शक्ति, अबे अबे ये नहीं यार, मतलब अद्भुत शक्तियों वाले लोग। विक्टर और जेम्स मरते भी नहीं है, मरवाते मतलब मारते हैं लोगों को, क्योंकि वो सभी वॉर्स भी लड़ते हैं, जैसे World War I, World War II, वियतनाम वॉर। क्योंकि ये साले बुड्ढे भी तो नहीं होते हैं ना, इसीलिए जो मन में आए वो करते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो क्या, जब इनका टाइम आ गया तो साले गोली से भी नहीं मरे। जिसके बाद मुंह उठाकर आया स्ट्राइकर, बोला अपन एक टीम बना रहा है, बोले तो तुम भाई लोगों को अपन काम दे सकता है। उसके बाद कट टू एयरप्लेन, जहाँ है ढेर सारे लोग कूल, और है अपना पुराना वाला डेडपूल, जिन सबका मिशन है एक पत्थर को पाना। आगे और पत्थर कहाँ मिलेगा ये भी है पता लगाना। आगे पता चला कि पत्थर है एक गांव में। मैं बता दूं ये पत्थर दरअसल एक मीटियोर है। ए ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। मतलब एक उल्का पिंड है, और जिससे कि वुल्वरिन के क्लॉज बने हैं। नहीं बताने पर स्ट्राइकर बोला जान ले लो सबकी। लेकिन अपना जेम्स कहता है लोगों को मारने की नहीं मानूंगा बात, अगर विक्टर तुमने किसी को मारा तो मार के चला जाऊंगा लार। जिसके बाद जेम्स वहां से चला जाता है। आफ्टर 6 years, टाइम नहीं करेंगे खोटी, लेट्स फोकस ऑन पहाड़ की चोटी, जहाँ जेम्स के साथ है खूबसूरत हसीन है, जो है बहुत हॉटी। चामड़ी, मैंने देखा चामड़ी। अब वो काम करता है लड़की का, मतलब लकड़ी का, तो मिस देती है किस। जिसके बाद मुंह उठाकर आया स्ट्राइकर, बोला देखो तुम्हारे साथियों को कोई मार रहा है तो तेरे को भी मार दे, उससे पहले आजा टीम में वापस। तो जेम्स बोला जल्दी वहां से हटो। आगे आता है विक्टर और डेंट लगाता है कार पर हीरोइन को मारकर, जिसके बाद चला जाता है बीआरपी ने पार पर। ढूंढते हुए आता है जेम्स, हीरोइन को मरा देख कर पागल हो जाता है, जान जाता है ये काम है विक्टर का, इसीलिए ये भी अब बार पहुंच जाता है। जिसके बाद लड़ाई में विक्टर भारी पड़ जाता है, और लड़ते लड़ते जेम्स का नाखून भी टूट जाता है। पंजा नुन्नू के साइज का हो गया। जिसके बाद हॉस्पिटल में मुंह उठाकर आया स्ट्राइकर, जेम्स बोला कातिल है मेरा भाई विक्टर, क्यों नहीं बताया, मारा उसने मेरी गर्लफ्रेंड को, पहलूंगा तो अब भी मैं उसको, चाहे वो है मेरा भाया। मुंह उठाकर बोला स्ट्राइकर मैं तेरे को ताका दे सकता है क्या, बोले तो मस्त तेरे अंदर लोखंड वोखंड डालेंगे क्या, क्योंकि तो मरता ही नहीं है, तो इतना दर्द तो तू ही सह सकता है ना। बोला जेम्स चाहे कुछ भी कर लो, विक्टर को तो अब मैं पीलूंगा, लोखंड क्या उसे मारने के लिए अपने अंदर कुछ भी ले लूंगा। जिसके बाद स्ट्राइकर जेम्स को टैंक में लिटाकर उसको सुइया चुभाकर उसके अंदर एडमेंटियम डालकर उसका नाम वुल्वरीन रख देता है, क्योंकि बीते हुए टाइम में सुनाई थी जेम्स की माल मतलब गर्लफ्रेंड एक प्यार की कहानी, जिसमें वुल्वरीन अपने प्यार का इंतजार करता है, तो रख लिया गर्लफ्रेंड के प्यार का नाम वुल्वरीन। आगे जेम्स की याददाश्त स्ट्राइकर फुलवा देना चाहता है, मगर वुल्वरीन दूर से सब कुछ सुन लेता है। इसके बाद टैंक फोड़ फाड़ कर भागा वो वहां से नंगा, और जिसको देखकर बेटी मन में लड्डू फूटा। खैर आगे बढ़ते हैं, वुल्वरीन को नंगा मतलब है कि दौड़ता देखकर दौड़ता अंकल आंटी उसको घर पर रख लेते हैं, अनाथ समझकर, बच्चे की तरह करते हैं प्यार। लेकिन स्ट्राइकर के लोग बॉम्ब गिरा कर देते हैं दोनों को गोली मार। जिसके बाद वुल्वरीन भैया बाइक दौड़ाकर टैंक उड़ाकर खुद भी उड़ी मार कर हेलीकॉप्टर के पंख देते हैं काट, और स्ट्राइकर के लोगों की लगा देते हैं बाट। जिसके बाद वो फोन में बोलते हैं तेरे को और विक्टर को मैं अब नहीं छोड़ूंगा, पेल की खंजर तुम दोनों की जान मैं अब ले लूंगा। जाता है वो विक्टर का पता लगाने, लेकिन उससे पहले मोटू को पड़ेगा ठिकाने लगाने, क्योंकि वही जानता है विक्टर का पता। पहुंचने पर वुल्वरीन को कहता है हो जाओ दफा। जिसके बाद वुल्वरीन और मोटू करते हैं बॉक्सिंग की लड़ाई, और सर टकराने से मोटू लेने लगता है अंगड़ाई, क्योंकि अपने वुल्वरीन भैया के अंदर बोले तो लोखंड भरे लाए क्या।
आगे पता चलता है विक्टर और स्ट्राइकर है मिले हुए। म्यूटेंट्स को कैद करके स्ट्राइकर आइलैंड चलाता है। भाग पाया था आइलैंड से ओनली एक, जिससे मिलने वुल्वरीन पहुंच जाता है, क्योंकि वही तो बताएगा ना यार कि आइलैंड है कहां पर। जिसके ताश के टैलेंट में कोई नहीं है कमी, उसका नाम है रेमी। ये सोचकर कि वुल्वरीन है हमलावर, रेमी कर देता है वार और वुल्वरीन जाके गिरता है दीवार के उस पार। दीवार के उस पार ये तो विक्टर है यार, जो कर रहा है वुल्वरीन के दोस्त पे वार। उसके बाद दोनों आमने सामने आ जाते हैं और जबरदस्त लड़ने लग जाते हैं। अपने नाखून विक्टर के अंदर घुसाकर वुल्वरीन उसका सर धड़ से अलग करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर वापस रेमी आ जाता है और वुल्वरीन पर हमला कर देता है। इसके बाद विक्टर बोलता है और वो वहां से भाग जाता है। आगे वुल्वरीन रेमी की भी लेता है क्लास, तो वो उसे स्ट्राइकर के आयरन में छोड़ने जाता है। वहां पहुंचकर वुल्वरीन जाता है स्ट्राइकर को मारना, मगर वहां पर होता है वुल्वरीन का सच्चाई से सामना। पता चलता है गर्लफ्रेंड अभी भी है जिंदा, जिसके बाद वुल्वरीन हो जाता है अपने ही प्यार पे शर्मिंदा। गर्लफ्रेंड ने स्ट्राइकर के साथ मिलकर वुल्वरीन को धोखा दिया था, जिसके बाद थोड़ी डायलॉग बाजी होती है और वुल्वरीन बोलता है और वुल्वरीन जाने लगता है। मगर हीरोइन ने नहीं दिया था धोखा, चूंकि कैद करके रखा था स्ट्राइकर ने उसकी बहन को, तो समझ गए ना। वैसे वो भी एक म्यूटेंट है और लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती है। वुल्वरीन को जाता देख वो बता देना चाहती है सच्चाई, मगर आया विक्टर और उठा दिया। तब जाके चीखी लैला, तो सुन के वापस आया छैला और उसके बाद वहीं पर थर पकड़ उठा पटकी रैला रैली पकड़ा पकड़ी, और वो बस मारने ही वाला था विक्टर को कि तुम जानवर नहीं हो। हम जानवर हैं। अरे कोई तो कभी मारने दो इसको विक्टर को, साला विक्टर ही तो सारी फसाद की जड़ है। जिसके बाद वो पूरी सच्चाई बताती है, बहुत सारे म्यूटेंट्स अभी और भी कैद में है ये भी बताती है। अब वो अकेले नहीं है जाने वाला, इसीलिए वुल्वरीन तोड़ देता है सभी म्यूटेंट्स का ताला। म्यूटेंट्स को साथ लेकर होता है बस वो निकलने ही वाला, मगर वेट वेट वेट, ये कौन है साला? अरे साला ये तो अपना डेडपूल है यार, मतलब यही वाला पहले था जिसको देखकर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मगर मूवी है बताना तो पड़ेगा ही। जिसके बाद वुल्वरीन भैया फैक्ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं, मगर साला डेडपूल बिना किसी कुछ वही ऊपर आ जाता है। जिसके बाद दोनों के बीच मगर तभी आया विक्टर, जिसको वुल्वरीन ने नहीं मारा था तो हुआ एहसास दोनों भाइयों ने लगा दिया मिलके डेडपूल की वाट। जिसके बाद वुल्वरीन ने दिया डेडपूल का गला काट, मगर गिरते हुए लेजर से डेडपूल ने गिरा दी पूरी बिल्डिंग। तो उड़ी मारकर वुल्वरीन और विक्टर दोनों उतर जाते हैं। विक्टर अपने रास्ते चला जाता है, मगर इधर हसीना को लग चुकी थी गोली। दर्द से वो कराहती हुई बोली के अरे छोड़ा यार, मेन चीज से फोकस करते हैं, मिस ने वापस दे दिया किस। जिसके बाद मुंह उठाकर वापस आया स्ट्राइकर, जिसके सीने में भी जल रही थी बदले की आग, इसीलिए वुल्वरीन को एडमिंटियम वाली गोलियों से सर पर दिया दाग। जिसके बाद वो हसीना को भी मारने वाला था कि हसीना ने अपनी म्यूटेंट शक्ति दिखाई और कर दी स्ट्राइकर की रुसवाई, मतलब उसको बहुत दूर पैदल चलने का आदेश दे दिया। जब जागा वुल्वरीन तो उसके सर पर थे गोलियों के दाग, मगर अफसोस यह है कि अब उसको कुछ भी नहीं है याद। आगे बढ़ता है वो अपने दोस्त रेमी के साथ, और अब उसकी गर्लफ्रेंड जो कि मर चुकी है वो भी उसको नहीं है याद, अफसोस हुआ जानकर। इधर स्ट्राइकर भी कस्टडी में ले लिया जाता है और इसी के साथ कहानी का एंड भी हो जाता है। दोस्तों ये दुख भरी कहानी थी वुल्वरीन की, जिसको देखकर मैं क्या बोलूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। खैर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।